हूँ। चंचल भारती जी, आप कितनी साल की उम्र से आपकी कवाली जो है वो गा रही हैं? लगभग 20 साल। अच्छा, आपकी आवाज में दम बड़ा है, जब बोलती है तो बड़े बड़े बोंपू बज जाते हैं। चंचल भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सारे साथियों का कॉमेडी नाइट्स में। आपने आज वाकई में एक अलग रूप जो है दिखाया। जी हाँ, कोशिश करते हैं, आप लोगों को पसंद आता है तो हमारी खुशकिस्मती। मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ आपके साथ ही? हाँ, मतलब मैं और इनको खास तौर पे इसलिए शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने कवाली जो है उसको जिंदा रखा हुआ है। चंद घराने हैं, चंद लोग हैं जो आज भी कवाली गाते हैं और हमें, हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है और जितनी आपकी तारीफ करें उतनी कम है। चंचल, लेकिन एक बात बताइए मुझे, आपका नाम चंचल है, चेहरा आपका बड़ा गंभीर रहता है, सीरियस, तो ये आपका नाम चंचल मतलब कैसे पड़ा? कभी किसी वक्त में हंसते थे हम भी। ऐसा क्यों, किसी वक्त में क्यों? फिर शादी हो गई। हाँ तो हंसी तो अपने आप चली जाएगी। वो तो उनकी गई ना जिनसे हुई। नहीं नहीं नहीं। मैंने एक चीज और नोटिस की है भारती जी, आप जी। मैंने बड़े सारे कवाल ऐसे सुने, कई कवाल गाते हुए मुंह बड़ा टेढ़ा करते हैं, तो कई कई बार तो भगवान से लड़ रहे होते ऊपर वाले, मैं तेरी तरफ आया, बोले तो वो डराते हैं कभी कभी, पर आप वो तो ऐसा मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले को नीचे बुला लेंगे, इतना तैश के साथ कर रहे हैं कि मैं तेरे दर पे आया, तू ऊपर खड़ा खड़ा, ये क्या हो रहा है? तो, पर आप बहुत बड़ी स्वीट लगती हैं आप गाती हुई, तो ये बस कोशिश रहती है कि अच्छे तो नहीं लेकिन अच्छे लगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां चंचल भारती जी और उनके ग्रुप के लिए। चंचल जी, बाकमाल हुनर से भरे हुए समंदर हैं आप, खुदा के दीदार में रहे मस्त वो कलंदर हैं आप, हर दौर में दुनिया तुम्हें अदबो सलाम करती रहेगी, जिसने जीती हो हर बाजी वो महान सिकंदर हैं। क्या बात है, खता है, खता है। लेकिन सिद्धू जी मान से आ गए हो, छा, ये बड़े हंसने हंसाने वाले लोग हैं और आप बड़ी दूर से हंसते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। अरे इसलिए कहना है कि मस्त नजरों से देख लेना था, घर तमन्ना थी आजमाने की, और ये सब लोग बेहोश यूं ही हो जाते, क्या जरूरत थी सिद्धू जी मुस्कुराने की। पानी, मैंने 1500 एपिसोड में आज कोई आपकी टक्कर का देखा है। अच्छा, आपने सिद्धू पाजी ने आपके बारे में बड़ी अच्छी लाइनें कही और आपके पास तो भंडार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, अगर मैं कहूँ कि आप हमारे सिद्धू पाजी के लिए कुछ रोमांटिक गाएं, तो आपकी, मुझे पता है आप कवाली गाने की शौकीन है, लेकिन ऐसा ही कुछ अगर आप, हमने जितना भी आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, इंटरनेट पे आपके बारे में आपके वीडियोस देखे, आपको सब बैलून मैन के नाम से जानते हैं, व्हाट्स योर रियल नेम एक्चुअली? मेरा नाम सरवना, सरवना धनपाल, सरवना धनपाल, यू आर फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर। सरवना, आप अभी शादीशुदा हैं कि अभी? शादी ऐसा अच्छा अच्छा काम मेरा लाइफ में नहीं होएंगे सर। ऐसे क्यों? अच्छा काम? तो जब आपको लड़कियां देखती, इंटरनेट पे मैंने देखा है काफी सारे व्यूज हैं आपके वीडियो के ऊपर, तो लड़कियां पसंद नहीं करती यार, ये बैलून मैन है, इसके साथ शादी करेंगे हम? कोई आपको ऐसे प्रपोज नहीं किया कभी किसी ने? प्रपोज कभी भी, पर मैं अगर आपको मैं यहाँ पे मौका दूं, बड़ी सारी लड़कियां आपकी फैन हो गई यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस देख के, अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको आपको यहाँ पे आके प्रपोज करने के लिए, तो फिर आप घबराएंगे तो नहीं? मैं अपनी तरफ से चुन लूं कोई, बड़े भाई होने के नाते ऐसे ही, ये जो मैडम ऐसे ही फन से, आप दोनों, आप किनके साथ आए हैं आप यहाँ पे? मम्मी पापा के साथ? भाई भाभी और बहन के साथ। अच्छा अच्छा, अयो यो सर भाई दे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही यहाँ पे सब ऐसे ही, सब यहाँ पे मस्ती के मूड में आते हैं। शांत था, देख तू, नहीं तो अयो यो निकल गया मुंह से। अयो यो, आप 2 मिनट स्टेज पे आएंगे जरा, प्रॉब्लम तो नहीं ना भैया भाभी से पूछ लो आप, फिक्र मत कर। ये इनको आपने टैलेंट देखा अभी, इनको मैंने थोड़ा खोलना है एक्चुअली, बड़े शाही हैं, तो डर जाते हैं लड़कियों को देख के। तो सरवना, अभी आपके सामने, व्हाट्स योर गुड नेम? चांदनी, 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 ये है, ग्रहण लगाएंगे आपको। चांदनी, आपको सरवना को ना थोड़ा, हमें थोड़ा इनकी शर्म जो है बाहर निकालनी है, तो सरवना आप सपोज करें कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है या आप इनको लाइक करते हैं, तो आप इनको क्या कहेंगे? ये मेरा गर्लफ्रेंड,
है नहीं, बनानी है आपको। बनाना है आपको, इनको प्रपोज करना है आपने। कैसे करोगे देखता हूँ यहाँ पे आपकी आइडिया। थोड़ा क्या भी नहीं देख रहा। बात करना। हाँ करिए करिए। चांदनी आप लोग। ओके ओके लेट हिम टॉक। हाँ आप लोग मुंबई से? हाँ हाँ जी मैं बेंगलुरु से। हमारा डिस्टेंस बहुत दूर है बट हमारा हार्ट अभी एक ही स्टेज में है। अभी आप लोग मेरे लोग को गर्लफ्रेंड हो गया। मैं तुमको एवरी डे एक रोज देंगे। एवरी डे बलून परफॉर्मेंस करेंगे। उनको भी बलून में घुसाएंगे। हाँ बलून को बलून को अंदर जाएंगे फुल सारे दुनिया का रूम रो। किसी ने सुई मार दी तो दुनिया उधर बिगड़ जाएगी। ओके ये अभी मैं रोज देंगे, एक महीने बाद गुलकंद बना के इन्हीं को खिलाना आप। क्या यार आप भी, अब तो थोड़ा कोई रोमांटिक डायलॉग होना चाहिए था। रोज देंगे पुराना हो गया है, बलून में घुसेंगे थोड़ा इनोवेटिव था। उसके अलावा और आपको पसंद है चांदनी? पसंद है। पसंद है, पसंद है। मैं बात करूं आगे, उनके रिश्ते आए हुए हैं भैया भाभी भी। ऑल आर वेलकम। थैंक यू सरवना, आप कॉमेडी नाइट्स में आए और आपने अपने इस यूनिक टैलेंट से सबको एंटरटेन किया। थैंक यू सो मच, इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच चांदनी। थैंक यू चांदनी। थैंक यू दोनों के लिए जोरदार तालियां। जी, हाँ जी, अगर मैं आपको कहूं हाँ कि यहाँ स्टेज पे कोई लड़की कपड़े बदलेगी तो आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा बत्ती बुझाओ, सबको बाहर भेजो। ये सब में आप अपने आप को इंक्लूड किया? बिल्कुल। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे एक नहीं तीन तीन लड़कियां कपड़े बदलेंगी तब आप क्या कहोगे? तो तीन बार बत्ती बुझाओ और तीन बार सबको बाहर भेजो। पर पाजी यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो तीन लड़कियां आने वाली हैं, हाँ। वो देखते ही देखते सेकंड्स में आपके सामने कितनी सारी ड्रेसिंग चेंज करेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। बैठे रहना भाई, बाहर नहीं जाना। ओके तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फरा तन्वी और सुगंधा के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जैसे फटाफट कपड़े चेंज करती हैं, कोई ऐसी टेक्निक है आपके पास कि कपड़े वही रहे बीवी चेंज हो जाए अंदर से? ये तो कपिल की ख्वाहिश ही है, हर एपिसोड की ख्वाहिश है और हम ट्राई करेंगे ये भी पूरा कर दे। काश आप जितना अच्छे तरीके से कपड़े बदलती है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको 5-6 दर्जन ड्रेसेस ले दूं, ये बदलती रहे मैं देखता रहूं। This is quite nice. मैंने सुना आप 5-6 डजन ड्रेसेस दिलवा के देंगे किसी को? उनके टैलेंट को बढ़ावा दे रहा हूँ ना मैं। अच्छा टैलेंट को बढ़ावा। वैसे लड़कियाँ आप ज्यादा इनके बातों में ध्यान मत दीजिए। जिस आदमी ने 5 साल में बीवी को 3 साड़ियाँ नहीं लाके दी, आई डोंट थिंक 5-6 डजन ड्रेसेस लाके देगा। आई रियली डाउट। हां कटका दिया भाई। पाजी मैं लाके दूं भी तो होगा क्या? क्यों 2 हफ्ते में एक बार इसने साड़ी बदलनी होती है। हाँ वो भी साड़ी जब बदलती है ब्लाउज होटो पे अटक जाता है, 2.5 घंटे लग जाते हैं। शर्मा जी बेशर्मी की एक हद होती है। मैंने कोई बेशर्मी वाली बात की बाजी ना? ये इतना टाइम लगाती है ना कपड़े चेंज करने में, आपको पता है जब भी हम लोग फिल्म देखने जाते हैं ना हमेशा इंटरवल से पहले पहुंचते नहीं। मैं भाग मिल्खा भाग देखने गए, इसने इतना टाइम लगाया। मैंने भाग मिल्खा भाग तब देखी जब वो ऑलरेडी चैंपियन बन चुके थे। अरे ये देख तू बदल भी लेगी ना साड़ी लगेगी भी तू ऐसी। ये देख जितनी ड्रेस बदली उतनी लुक्स, टैलेंट विद गुड लुक्स। एक सेकंड आपको तो दूसरी लड़कियों में टैलेंट नजर आता है। नहीं नहीं तेरी बहन का टैलेंट भी देखा मैंने। अच्छा उसकी बहन ना ऐसे सर मार कर नारियल फोड़ देती है। उसने पता अब तक इतने नारियल फोड़ चुकी है ना कि उसका ये जो माथा है ना मुंह के बराबर नहीं, 1.5 फीट आगे आया हुआ है। माथा ऐसे सनशेड बनी हुई माथे की, छोटे भाई की बनियान धोल के ना उसी पे डाल देती है। पिछले साल तो म्युनिसिपैलिटी भी ले आ गए, कहते आपने ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है ये
हाँ बोलते बोलते आप कंस्ट्रक्शन अपनी प्लॉट के अंदर रखो, बाहर क्यों जा रही है? हमेशा जब देखो अपने भाई बहनों के टैलेंट की बात करती है। भाई में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, पता है बाजी, वो कई कई किलोमीटर तक बिना हैंडल पकड़े साइकिल चला लेता है। Wow. Isn't that a nice thing? हैंडल कैसे पकड़ेगा बाजी? हैंडल पकड़ेगा हाथ में, जो चोरी की कचोरियां वो पिचक नहीं जाएंगी। आप जो मेरी फैमिली के बारे में इतना बता रहे, आप अपनी मौसी के बारे में क्यों नहीं बता रहे? पाजी वो तो पजामे को ब्लाउज बनाकर पहनती है और फिर कहती है ऊपर से कि बेटा जरा चोली की डोली पीछे से बांध दे। एक सेकंड, लड़ते लड़ते इतना बाहर आ गए ना, आ थोड़ा और निकलते हैं, कदम करते हैं, इनको अपना करने दो, हम अपना करते हैं। मेरी मौसी की बातें कर रही है, उसको बेचारे को दिखता नहीं भाजी, वो तो इसलिए गलती से पहन लिया होगा एक बार पजामा ब्लाउज समझ के। इनके पिताजी तो जान बूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक भी ना चूल्हे में से पाइप निकाल कर ना गैस चूस रहा था, LPG गैस चूस रहा। मैंने कहा क्या कर रहे हैं पापा आप? कहते मेरे को दिल्ली बायर जाना, टिकट के पैसे नहीं है, ऐसे टेक ऑफ करूंगा। देखो झूठ मत बोलो, सिलेंडर में गैस नहीं थी। गैस नहीं थी तभी तो टेक ऑफ हुआ नहीं, नहीं तो जिस तरफ मुंह करके खड़ा था ना कोलंबो जाके लैंड करता। बेकार ही मैं आपकी मुंह लगती हूँ, वैसे भी हर बात घूम फिर के पापा पे आई जाती है। गलत बात, घूम फिर के नहीं, तेरा पापा घूम फिर के इधर आ जाता है। You shut up! And, well, बीवी चेंज होने की बात करी, मैं पति क्यों चेंज कर लूं अपना? थैंक यू रॉकस्टार, और आते रहिएगा, और ऐसे ही आप कपड़े बदलती रहें और हम आपको देखते रहें। शुक्रिया। बाजी अब वक्त है एक और नायाब टैलेंटेड परफॉर्मर से मिलने का। अच्छा? ये ऐसी शख्सियत है, ताश के पत्तों के साथ ऐसे अनूठे काम करते हैं कि आप भी देख के दंग रह जाएंगे। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सन्नी पुरोहित और तरुण पुरोहित का। आज हम लोग कार्ड से कुछ ऐसी ट्रिक्स करने वाले हैं जिसको देखकर आपको शायद लगेगा कि यार ये कैसे हुआ। तो अब इन नॉर्मल प्लेइंग कार्ड से क्या सब्जियों को काटा जा सकता है? नहीं, नो। तो चलिए हम वही चीज ट्राई करते हैं, और वो सब्जियां कैसी हैं? नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी नहीं होंगी, वो सब्जियां भी कुछ अलग तरह की होंगी। सो क्या आप तैयार हो साहब को देखने के लिए? राजू कहाँ गए थे तुम? ये क्या कर रहा है तू? पहली बार घर में सब्जियां ही स्वागत कर रहा हूं। ज्यादा चूम मत, तेरा सड़े हो कद्दू जैसा मुंह, तेरे तो सब्जियां भी मुंह ना लगाए कम बखत। साहब ये आज डिसाइड कर ही दो, मेरा मुंह कैसा है? सड़े कद्दू जैसा है? राजा मुरार की जराब जैसा है? क्या है, बच्चे के लंगोट जैसा है मेरा मुंह? बताओ कैसा है मेरा मुंह? बच्चे का लंगोट मैंने कभी नहीं बोला, इसने शीशा देखा तेरे को खुद आइडिया आया होगा। और वैसे पाजी मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, पुराने अखबार जैसे चेहरे को बार बार पढ़ता रहो। साहब ये लगे जाए ना लगे, डरता रहा ना। सनी पाजी देखो, आप कार्ड से कितनी सारी सब्जियां काट दी हैं। आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिससे किसी की जेब काटी जाए? शर्म नहीं आ रही तेरे को? जेब काटने की बातें पूछ रहे? वो आपके लिए पूछ रहा हूँ। आप इतनी इतनी चीजें काटते हो, मुझे कोई ऐसी चीज सिखा दो। कोई बंदा जब हर काम में अपनी नाक घुसेड़े तो उसकी नाक कैसे काटनी है? इसके लिए कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बुआ के पास ये टैलेंट सीखो, हर जगह आपकी नाक कटवाती रहती है वो। तू बड़ी बकवास करने लगा आजकल, अभी देखना सनी, मैं ये एप्पल से इसका मुंह चीरूंगा। अंदर जा, बकवास कर रहा फालतू बदतमीज। ये जो इन्होंने एप्पल काटे ना, ये देखो मैं भी काट सकता हूं, ये पकड़ो। बातों बातों में एप्पल खा गए। तो आप मुंबई के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम नीमच मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अच्छा, क्या बात है भाजी, हिंदुस्तान के कोने कोने में टैलेंट भरा पड़ा है, जरूरत यही है कि वो टैलेंट को ढूंढ के एक्सपोज किया जाए, और हमें बड़ा अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच।